बड़ा मलहरा एसडीएम विकास कुमार आनंद ने पहले मंडी हाउस के खाद गोदाम का निरीक्षण किया। इसके तत्पश्चात उन्होंने अपने सामने कृषि विकास अधिकारी एसपी त्रिपाठी व थाना प्रभारी जगत पाल सिंह की मौजूदगी में किसानों को डीएपी खाद वितरण दिया गया। बड़ा मलहरा में विपणन संघ के सहकारी गोदाम में 265 टन डीएपी खाद की आवक हुई है, जबकि प्राइवेट फर्म लाइसेंस धारी दीनदयाल असाटी को शासन द्वारा 17 टन डीएपी खाद का आवंटन के लिए प्रदान किया गया। मौजूद किसानों को 2 बोरी डीएपी खाद प्रति किसानों को आवंटित की गई है। बड़ा मलहरा एसडीएम विकास कुमार आनंद ने जानकारी देते हुए बताया कि बड़ा मलहरा क्षेत्र में 14 सोसाइटियों में 15-15 टन डीएपी खाद भेजा गया है, जो पात्र किसानों को दिया जा रहा है। खाद की किसी भी प्रकार की क्षेत्र में कोई कमी नहीं है। बड़ा मलहरा में चूंकि 14 सोसाइटीज हैं, सभी सोसाइटी में 15-15 टन डीएपी और यूरिया की आवक हुई है तथा वहाँ से किसानों को खाद का वितरण किया जा रहा है। मैंने यहाँ स्वयं व्यवस्थाओं को देखा भी है और कहीं से ऐसी कोई शिकायत नहीं है। पर्याप्त खाद भी है और किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद दिया भी जा रहा है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए बड़ा मलहरा से लोकेंद्र सिंह की रिपोर्ट। डीएपी कितने की दे रहा है? तो काम चला ही रही सीधे कटाई हुई।